सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसकी चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे थे, जिसके आज एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस टॉपिक के बारे में हम बता दें, ये टॉपिक एक्चुअली में बहुत 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 पहले, अब कुछ लोग कहते हैं 10 साल पहले, ऐसा नहीं है। जब हम 90 में इंटर में थे, मैंने आज के करीब 35 साल पहले, तब ये टॉपिक तभी ये था। इसके पहले कभी IIT में क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो वहां से, अब वैसे तो उन्होंने कहा क्वेश्चन लगा के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां से फिर दिमाग आया कि एक फॉर्मूला बना दिया जाए, तो बाद में बनाया गया, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्यों कहा गया? पहले एक देखो, ग्रेटेस्ट टर्म की बात हो रही है, केवल ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही है। हमने ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट भी बताया था, अगर NCR है और N इवन नंबर है, तो NCN यानी R का मान N/2 कर देंगे, तो NCN/2 ग्रेटेस्ट होगा, और अगर N ऑड नंबर है तो NCN-1/2 और NCN+1/2 ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। यहां पर पूरे टर्म की बात हो रही है कि भाई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकाला जाएगा, तो उसको बताने के पहले कुछ बताना चाहते हैं। न्यूमेरिकली का मतलब क्या होता है? आपके पास 10,000 रुपया है ना, 1,000, चलिए 1,000 मान लेते हैं, आपके पास 1,000 रुपया है, और कुछ लोगों ने, मेरे पास 100 भी रुपया नहीं है, जितने भी हैं, और मेरे पास 1,00,000 रुपए का कर्जा है, तो दोनों में बड़ा कौन है, आप या हम? तो न्यूमेरिकली, वैसे तो आप बड़े हैं, लेकिन न्यूमेरिकली मैं बड़ा, 1,00,000 की जो डिजिट है वो 1,000 से ज्यादा है डिजिट, तो हम न्यूमेरिकली भी जब बात करेंगे तो निगेटिव साइन की बात नहीं करेंगे, यानी अगर एक 5 है और एक -10 है तो न्यूमेरिकली -10 बड़ा है, ठीक। इसको बताने के पहले एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना चाहते हैं। अगर मैं कहूं 2+5^7 को एक्सपेंड करो, तो यहां पर x+a^n का फॉर्मेट लगा दो, तो क्या आएगा, 7c0 2^7 +7c1 2^6 × 5^1 +7c2 2^5 × 5^2 +7c3 2^4 × 5^3 +7c4 2^3 × 5^4 +7c5 2^2 × 5^5 +7c6 2^1 × 5^6 +7c7 × 5^7 ये आएगा। अब मैं इसकी, इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू रखता हूँ, मैं नहीं रखता हूँ, मैंने रख रखी है, उसी को उतार देता हूँ। तो पहला स्टेप आएगा 128, दूसरा स्टेप आएगा 2240, जब कैलकुलेट करोगे 2240, तीसरा स्टेप आएगा आपका 16,800, अगला स्टेप आ रहा है 70,000, अगला स्टेप आ रहा है 1,75,000। अब क्यों लिख रहा हूं उसका मैं मतलब बता रहा हूं, अगला स्टेप आ रहा है 2,62,500, 2,62,500, अगला स्टेप आ रहा है 2,18,750, 2,18,750, और अगला स्टेप आ रहा है 78,125, 78,125। क्यों ऐसा लिखा हमने, समझिएगा सावधान। अगर ये पहला टर्म है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ये T6 है, ये T7 है, ये T8 है, ठीक। अगर इस एक्सपेंशन की हर एक टर्म की वैल्यू पे नजर दौड़ाएं, तो पहले टर्म से ये बड़ा है, फिर इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, फिर छोटा है, यानी इस एक्सपेंशन में एक ऐसा टर्म आ रहा है जो न्यूमेरिकली सबसे बड़ा है, ठीक। इसी टर्म को निकालना है, कैसे निकालेंगे? इस टर्म की खासियत देखो जरा ध्यान से, इस टर्म तक आते आते इस टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आने वाली है, इस टर्म से इसको डिवाइड करेंगे, भाई न्यूमरेटर बड़ा है ना, T3 बड़ा है T2 से, तो न्यूमेरिकली T4 में T3 डिवाइड करोगे तो, यानी T5 T4 से बड़ा है, T6 T6
5 से बड़ा है, मतलब यहां पर जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो 6 टर्म है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये टी आर टर्म है और ये टी आर प्लस वन टर्म है, तो आप कहेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में टी आर प्लस वन की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू टी आर है, इक्वल टू लिख दिया जाता है, बराबर भी हो सकता है, कहीं पर वैल्यू बराबर भी हो जाती है, समझ में बात नहीं आई। मतलब टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए निकालेंगे एक टर्म तक, इसके बाद भी छोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर आगे बढ़ोगे तो ये टर्म इससे छोटा है, तो इसका रेशियो करेंगे तो लेस देन बना जाएगा, ठीक है। तो फॉर द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर ग्रेटर इक्वल टू वन, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अगर यहां पर माइनस होता तब क्या होता, तो भाई जहां फाइव निगेटिव है ना, तो जहां फाइव की पावर ऑड होती, जहां फाइव पावर ऑड होती वो निगेटिव टर्म हो जाता, यानी ये टर्म निगेटिव आने वाला था, सेकेंड टर्म ये पॉजिटिव है, फिर ये टर्म निगेटिव आने वाला था, फिर ये टर्म निगेटिव आने वाला था, फिर ये टर्म निगेटिव आने वाला था। यानी अगर हम ध्यान से इसको देखें, एक सेकेंड ध्यान से इसको देखें, तो यानी कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो देखो अब अभी भी ये ग्रेटेस्ट टर्म है, न्यूमेरिकली निगेटिव लगा जरूर है लेकिन न्यूमेरिकली ये ग्रेटेस्ट टर्म है, इसी के बारे में बात करनी है, समझ में बात आई कंसेप्ट क्या है, ठीक। तो इसके लिए हम फॉर्मूला एक बनाते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन, एक्स प्लस ए की पावर एन, जब कोई फॉर्मूला आप रखोगे ना तो आपको देखना पड़ेगा एक्स प्लस ए है कि ए प्लस एक्स है। तो हम जानते हैं कि x प्लस ए की पावर n में अगर मैं टी आर प्लस वन निकालता हूं तो होता है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए टू पावर r, ठीक। और जब टी आर निकालेंगे तो फार्मूला तो मेरा r प्लस वन का होता है, मतलब जो जो चीज में वन प्लस हो जाएगा, तो वन में जिसको प्लस किया है वन को, ये r माना जाता है। तो मैं टी आर को क्या लिख सकता हूं, टी आर माइनस वन प्लस वन, आर ही लिखा है ना, तो मेरे आर जगह क्या लिखा है, आर माइनस वन, तो ये क्या आने वाला है, एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन इंटू ए टू पावर आर माइनस वन। तो आप जानते हैं फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म टी आर प्लस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू टी आर, मतलब जो r प्लस वन टर्म है वो हमेशा r से बड़ा होगा, जब वो घटना शुरू हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। तो अगर इसको इधर ले आओ, इसको खोल दो पहले, ये क्या है, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r ग्रेटर आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर n माइनस आर प्लस वन इंटू ए टू पावर r माइनस वन, ठीक। मैं इसको इधर लेके आऊंगा, जानबूझ कर भी ला नहीं रहा हूं, ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए टू पावर आर ग्रेटर इक्वल टू, इसको करो एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन इंटू ए टू पावर आर माइनस वन, ठीक। अब हम एक पूरे टर्म इधर लेके आ रहे हैं और इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में जब लाइट चली जाती है तो पंखा जो है, फैन, वो जो इन्वर्टर चलता है, थोड़ा डिस्टर्ब करता है, इसलिए हमको उसको जाके सही करना पड़ता है। ये ध्यान है कि ये x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन में आप दिखा रहे हो, देखो इधर क्या लिखा है, फैक्टोरियल n अपान r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, जब इसको लेके आओगे तो r माइनस वन मल्टीप्लाई में आएगा और फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, ये भी मल्टीप्लाई में आएगा ना, अपान में है, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू, देखो ये एक्स की पावर है एन माइनस आर इंटू ए टू पावर आर अपान एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन इंटू ए टू पावर आर माइनस वन इज ग्रेटर इक्वल टू वन। चिंता मत करिए, हम फॉर्मूला बना के देंगे आपको, ठीक है, और लिख देंगे फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, डायरेक्ट लिख देंगे उठा करके, देखो ध्यान से, ये भाई साहब कैंसिल हो गए। अब इनको कैसे कैलकुलेट करें, सावधान, देखो यहां r माइनस वन है, लिखा रहने दो, और नीचे r है, तो इस r को बाहर कर दोगे,
अंदर बचेगा फैक्टोरियल आर माइनस वन। यहां देखो एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर से बड़ा है, तो इसमें एन माइनस आर प्लस वन बाहर आ जाएगा और फैक्टोरियल में एक कम हो जाएगा, और नीचे एन माइनस आर है इंटू, यहां देखो जरा ध्यान से, ये एन माइनस आर और ये एन माइनस आर प्लस वन, ये वैल्यू बड़ी है, ये नीचे आके माइनस होगा, ये ऊपर जाके माइनस होगा, तो ये ए अपान एक्स हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू वन। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आ गया एन माइनस आर प्लस वन अपान आर इंटू ए अपान एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन। तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, अप्लाई कर दिया। अब देखो अगर आर की वैल्यू, दो तरीके से हो सकती है, आर की वैल्यू लेस आर इक्वल टू वन फाइव आ गई, तो टी फाइव और टी सिक्स दो टर्म होंगे जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे, उन दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक। और अगर आर की वैल्यू लेस आर इक्वल टू मान लेते हैं फाइव होल नंबर वन बाई टू आ गई, इन फाइव पॉइंट समथिंग आ गई, तो टी सिक्स विल बी ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। यानी अगर आर की वैल्यू कंप्लीट नंबर आई है फाइव सिक्स फोर थ्री, तो फाइव और उसके आगे वाला टर्म ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, और अगर आर की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई फाइव पॉइंट समथिंग डेसिमल में आ गई, तो फाइव के जस्ट बाद जो टर्म होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का तरीका होता है, समझ में बात आ गई होगी, ये नहीं कहेंगे आई कि नहीं आई, ठीक। एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियोस, नमस्कार।